अब तक की पांच अहम खबरें। भाजपा ने बलात्कारियों को बचाने के लिए धर्म को सहारा बनाने में महारत हासिल की हुई है। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों को सेक्सुअली हरास करने के इल्जाम है, उन पर लगे इल्जामों को लेकर बृजभूषण के समर्थन करते हुए अयोध्या के संतों का एक गुट अगले हफ्ते रैली निकालने का फैसला कर रहा है। संतों ने कहा कि अयोध्या और बाकी जगहों के संत बृजभूषण के समर्थन में रैली निकालेंगे और साथ ही वो बृजभूषण पर लगे पॉक्सो एक्ट का भी विरोध करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत खामियां हैं। संतों की तरफ से ये रैली काशी, मथुरा, हरिद्वार और देश के बाकी धार्मिक जगहों पर निकाली जाएगी। इसी को लेकर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, भाजपा ने बलात्कारियों को बचाने के लिए धर्म और देश का गलत इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान भाजपा के मंत्रियों ने कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में हिंदुस्तान के झंडे लेकर रैली की थी, लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद मैंने सुनिश्चित किया कि दोषियों को जेल हो और उन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान को भी समझा सकते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। अमेरिकी जमीन पर जाकर एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में एक आयोजन के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को डरा रही है और देश की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में लोगों से जुड़ने का हर एक साधन बीजेपी आरएसएस के नियंत्रण में था। उनका कहना है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप मोदी जी को भगवान के साथ बिठा दें तो वो भगवान को भी समझाना शुरू हो जाएंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और भगवान खुद उलझन में पड़ जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। जब राहुल गांधी अमेरिका में भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के बीच खलिस्तान के नारे लगना शुरू हो गए, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, वेलकम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके साथ ही राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तब वहां जाकर बस भारत का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की भी उनकी विदेश यात्रा ऐसी ही है, जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में वो अपमान देश का कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, जहां वो भारत को एक देश ही नहीं मानते, वो कहते हैं कि भारत कुछ राज्यों का जोड़ है। इसलिए ये उनका हर बार का है कि वो जब भी बाहर जाएं बस हमारे देश का अपमान करें। पहलवानों के मामले में आए कई नए मोड़। नाबालिग बच्ची के घर वालों का बयान, UWW की भारत को धमकी, बृजभूषण का दावा और उस पर दिल्ली पुलिस का बयान। पहलवान जो कि कल गंगा नदी में जाकर अपने मेडल बहाने वाले थे, जिन्हें किसान नेता नरेश टिकैत ने रोक, उनसे 5 दिन का समय मांगा, उनके इस मामले में कई मोड़ सामने आए हैं। पहलवानों के मेडल बहाने को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, नदी में मेडल फेंकने से मुझे फांसी नहीं होगी, मेरे खिलाफ लगे एक भी इल्जाम को सच साबित करके दिखाओ, उसके बाद सरकार अगर मुझे फांसी पर चढ़ाने का फैसला लेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। वहीं पहलवानों के मेडल बहाने के वाक्य के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत को धमकी दी है। UWW ने पहलवानों के साथ हो रहे इस बर्ताव की कड़ी निंदा की है और साथ ही भारत को इस मामले में 45 दिन में कार्रवाई कर WFI के चुनाव करने की बात कही, और ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो 45 दिन के बाद भारत को UWW से बाहर कर दिया जाएगा। इसी बीच एक बड़ा चौंका देने वाला मोड़ सामने आया, जिस नाबालिग बच्ची को लेकर बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगा था, एक शख्स का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि खुद को उस नाबालिग बच्ची का चाचा बता रहा है। इसके साथ ही वो शख्स ये दावा कर रहा है कि जिस नाबालिग बच्ची के साथ जिंसी हरासा के इल्जाम बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, असल में उस बच्ची को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बाकी अन्य पहलवानों की तरफ से बहलाया फुसलाया गया और फिर उसके साथ मिलकर FIR करवाई गई। इतना ही नहीं, इसी बीच दिल्ली पुलिस को लेकर भी एक मोड़ सामने आया। मीडिया को सूत्रों के हवाले से ये खबर दी गई थी कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले और सबूतों की कमी के चलते वो शायद बृजभूषण को क्लीन चिट दे सकती हैं, और साथ ही इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 दिन के अंदर ही कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। इन खबरों के मीडिया में आने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट किया गया कि कुछ मीडिया चैनल्स ये खबर चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि ये सारी खबरें झूठी हैं, ये मामला बहुत ही नाजुक है और इसमें कार्रवाई अभी जारी है। ये ट्वीट दिल्ली पुलिस का आया, लेकिन वहीं कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस ने इस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया, जिसके बाद ये खबरें हर मीडिया चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने लगी कि दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के मामले में सबूत नहीं मिले हैं। प्यार में बहकी औलाद ने वालिद को उतरवा दिया मौत के घाट। कश्मीर घाटी से आए दिन कत्लोगारत के मामलात सामने आते रहते हैं
नौजवानों में खौफ इस कदर खत्म हो चुका है कि वो दिन दहाड़े किसी भी शख्स को कत्ल करने से पहले सोचते नहीं है। ऐसा ही वाकया कल शाम को श्रीनगर के बटमालू बाईपास में पेश आया, जहां एक शख्स जिसका नाम एजाज अहमद भट्ट है, उसे अनजान इंसान ने चाकू से वार कर करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब एजाज अहमद को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया। इसी मामले को श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सुलझा दिया है। आपको बता दें तो एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल की टीम को जैसे ही इस वारदात के बारे में इत्तला मिली तो वो जांच में जुट गए और सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखे, हर जगह को अच्छे से जांचा और कुछ लोगों से भी पूछताछ की, जिसमें एक शख्स ने ये कबूला है कि उसने ही एजाज अहमद का कत्ल किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एजाज अहमद की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था, जो कि एजाज अहमद को गवारा नहीं था, जिसके चलते पहले भी एजाज अहमद को आरोपी मारने के मौके ढूंढ रहा था, जिसके लिए आरोपी ने 4 से 5 महीने पहले से ही तेज दरार चाकू अपने बैग में रखा था। वहीं कल भी जब एजाज अहमद मोमिनाबाद में लेन नंबर 2 में पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को आरोपी के साथ फिर से देखा, जिससे वो गुस्से में आ गया और आरोपी ने भी जब एजाज अहमद को गली में अकेला पाया तो उसने अपने बैग से चाकू निकाल एजाज अहमद पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने उन्हें पूछताछ में बताया कि उसने अपनी खून से भरी शर्ट, ट्राउजर और चाकू को कहां छुपाया है, जिसके बाद पुलिस ने वहां जाकर सारे सबूतों को हिरासत में लिया और फिलहाल इस मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं बल्कि 50 साल पुरानी है। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्नाटक में चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर वो कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तो वो लोगों को 5 वादों को पूरा करने की गारंटी देते हैं। वो वायदे थे 200 यूनिट बिजली को मुफ्त देना, औरतों को हर महीने 2000 रुपए देना, बीपीएल में आने वाले लोगों के घर के हर इंसान को हर महीने 10 किलो चावल देना, बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को 3000 और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए हर महीने देना और औरतों के लिए पूरे कर्नाटक में मुफ्त सफर करने की सहूलियत फराहम करना। राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे ही कर्नाटक में उनकी सरकार बनेगी पहले ही दिन वो इन सभी वादों को कानून बनाकर लागू करेंगे। कांग्रेस की दी गई इन्हीं गारंटियों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में रैली करते हुए निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी वाली आदत अभी की नहीं, ये 50 साल पहले की है। 50 साल पहले भी कांग्रेस ने देश से वादा किया था कि देश से गरीबी को खत्म करेंगे और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की रणनीति है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को सताओ। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।